दोस्तों समुद्र की गहराई रहस्यों से भरे हुए है। दुनिया का 71% हिस्सा समुद्र के कब्जे में है। 71% हिस्से पर पानी होने के कारण दुनिया का अधिकतर रहस्य समुद्र में ही छुपा हुआ है। इन रहस्यों से पर्दा उठाने और समुद्र में छुपी नई नई चीजों का पता लगाने के लिए रिसर्चर्स और डाइवर्स की टीम काफी मेहनत करती है। इसी मेहनत का नतीजा है कि हमें समुद्र में छुपे कई मिस्टीरियस चीजों का पता चला है। कई नई स्पीसीज और पानी में डूब चुके शहरों के बारे में भी पता चला है। इनमें से कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिनका संबंध एलियंस से होने की भी संभावना है। तो चलिए फिर आज के इस वीडियो में देखते हैं समुद्र की गहराई में डाइवर्स द्वारा खोजे गए अब तक की 10 सबसे मिस्टीरियस और स्ट्रेंज चीजों को। नंबर 10, डुगोंगिन चेन। जानवरों से इंसानों की क्रूरता किसी से छिपी नहीं है। इंडोनेशिया में डाइवर्स की एक टीम डाइविंग कर रही थी। इस दौरान समुद्र की गहराई में एक पिंजरे पे उनकी नजर पड़ी। उन लोगों ने जब पिंजरे के करीब जाकर देखा तो सभी हैरान रह गए। वहां पर दो पिंजरे थे। दोनों पिंजरे में डुगोंग को कैद करके रखा गया था। डुगोंग डुगोंगिडे फैमिली का एकमात्र लिविंग रिप्रेजेंटेटिव है और ये भी विलुप्त होने की कगार पे है। इसकी लंबाई 2.5 मीटर से 4 मीटर तक और वजन 230 से 400 किलोग्राम तक होता है। एक पिंजरे में मदर डुगोंग और दूसरे में बेबी डुगोंग को कैद करके रखा गया था। मदर डुगोंग को पिंजरे में रखने के बावजूद जंजीर से बांधा गया था। लोकल फिशरमैन ने इसे टूरिस्ट के लिए कैद करके रखा था। डाइवर्स की टीम ने फिशरमैन से रिक्वेस्ट की कि डुगोंग को छोड़ दें, लेकिन उसने छोड़ने से इनकार कर दिया। फाइनली लोकल अथॉरिटी से कॉन्टैक्ट करने के बाद दोनों डुगोंग को कैद से रिहा कराया गया। नंबर 9, योनागुनी मॉन्यूमेंट। जापान का सी ऑफ योनागुनी हैमरहेड शार्क्स के लिए काफी मशहूर है। 1986 में हैमरहेड शार्क की तलाश में लगे डाइवर किहाचिरो अराताके की नजर एक अमेजिंग स्ट्रक्चर पे पड़ी। स्ट्रक्चर को देखने के बाद एक टीम इस जगह पे रिसर्च के लिए गई। इस स्ट्रक्चर को देख रिसर्च टीम हैरान रह गई। सैंडस्टोन और मडस्टोन से बनाई ये स्ट्रक्चर काफी दूर तक फैला हुआ है। स्ट्रक्चर अलग अलग शेप और साइज में है। कुछ लोग इसे नेचुरल फॉर्मेशन मान रहे थे, वहीं कुछ लोगों का कहना था कि इसे इंसानों ने बनाया है। इस स्ट्रक्चर को नेचुरल मानने वाले एक्सपर्ट्स का कहना था कि ये एरिया अर्थक्वेक प्रोन रीजन में है, जिस वजह से इस स्ट्रक्चर का निर्माण हुआ। लेकिन इसे आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर मानने वाले एक्सपर्ट केमुरा का मानना था कि इस स्ट्रक्चर का निर्माण इंसानों ने लगभग 10,000 साल पहले किया था। केमुरा ने बताया कि इस जगह पे पिरामिड, कैसल्स, रोड्स, मॉन्यूमेंट्स और स्टेडियम्स बनाए गए थे। अर्थक्वेक और टेक्टोनिक एक्टिविटी के कारण योनागुनी मॉन्यूमेंट पानी में डूब गया। नंबर 8, सबमर्ज सिटी ऑफ शीचेंग। 1959 में चीन के कियानडाओ वैली को आर्टिफिशियल लेक में बदल दिया गया। आर्टिफिशियल लेक बनाकर वहां पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट शुरू किया गया। कुछ साल बाद कियानडाओ लेक को टूरिस्ट के लिए खोल दिया गया। डाइविंग की इजाजत मिलने के बाद 2001 में डाइवर्स की एक टीम लेक के गहराई में घूम रही थी। तभी उनकी नजर शीचेंग के ऐतिहासिक शहर पे पड़ी। ये शहर लगभग 2000 साल पुराना था। 2000 साल से वैली में रहने के बावजूद किसी को इस शहर के बारे में जानकारी नहीं थी। 85 से 130 फीट की गहराई में मौजूद ये शहर आज भी पूरी तरह सुरक्षित है। शहर में जाने के लिए 5 गेट बनाए गए थे। पत्थरों को काटकर शेर और दूसरे जानवरों की मूर्ति भी बनाई गई थी। घर की दीवारों पे खूबसूरत कलाकृतियां बनाई गई हैं। लकड़ी की सीढ़ी और पत्थरों की ऊंची दीवारें आज भी सुरक्षित मौजूद हैं। ईस्टर्न हान डायनेस्टी के दौरान ये शहर पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स का सेंटर हुआ करता था। नंबर 7, द बाल्टिक सी अनोमली। स्वीडन और फिनलैंड के बीच बाल्टिक सी में मिले स्ट्रक्चर को देख आपको एलियन शिप की याद आ जाएगी। 2011 में जब पहली बार पीटर लिंडबर्ग और ओशन एक्स की टीम ने इस मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट का पता लगाया, तब सभी ने इसे एलियन शिप ही माना था। इस ऑब्जेक्ट का आकार सर्कुलर है और इसका डायमीटर लगभग 200 फीट है। इसमें ऊपर जाने के लिए सीढ़ी बनी हुई है और एलियन शिप से रिलेटेड कई और चीजें इस मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट में नजर आती हैं। इस ऑब्जेक्ट की मिस्ट्री तब और बढ़ गई जब उसी साल एक टीम इस ऑब्जेक्ट पर रिसर्च के लिए गई। ऑब्जेक्ट के पास जाते ही टीम की तमाम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज ने काम करना बंद कर दिया। हालांकि बाद में की गई स्टडी से ये बात साबित हो गई कि ये एलियन शिप नहीं है, लेकिन इसका आकार सर्कुलर कैसे हुआ, साथ ही सीढ़ी और डिजाइन कैसे बना, इस बात का जवाब अब तक नहीं मिल सका है। नंबर 6, संकन पायरेट सिटी। पोर्ट रॉयल 16th और 17th सेंचुरी के बीच पूरे कैरेबियन द्वीप का एक प्रमुख शहर था। इस समुद्री डाकुओं का अड्डा और जमैका का मेन ट्रेडिंग पॉइंट भी था। शहर के लोग अयाशी के लिए मशहूर थे। व्यापार के साथ साथ हर तरह का गलत काम पोर्ट रॉयल में होता था, जिस वजह से इसे शैतानों का शहर भी कहा जाता था। शायद इस शहर के लोगों के पाप का घड़ा भर गया, इसलिए 1692 में एक भयानक भूकंप की वजह से यह पूरा शहर समुद्र में डूब गया। सैकड़ों जहाज, व्यापार के लिए जमा किया गया सामान समेत सब कुछ पानी में डूब गया। इस भूकंप में 1600 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। 1981 में यहाँ आर्कियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ
इन्वेस्टिगेशन लगभग 10 सालों तक चला। पानी के अंदर ऑक्सीजन की कमी के कारण ये शहर आज भी सुरक्षित है। पोर्ट रॉयल को टूरिस्ट डेस्टिनेशन बना दिया गया है। डाइवर्स समुद्र की गहराई में जाकर इस शहर को करीब से देख सकते हैं। नंबर 5, अंडरवाटर सर्कल। समुद्र के अंदर पाए जाने वाले सर्कल को सबसे पहले 1996 में जापान में देखा गया था। लगभग 20 सालों तक इस सर्कल की मिस्ट्री बनी रहे। कुछ लोग इसे एलियन से जोड़ रहे थे, तो वहीं कुछ लोगों का कहना था कि समुद्र में कोई रहस्यमयी जीव रहता है और शायद उसने इसे बनाया हो, शायद जल परी। खैर 2016 में सर्कल की सच्चाई सामने आ गई। इस सर्कल का संबंध न तो एलियन से है और न ही जल परी से। एक छोटी सी मछली पफर फिश इस सर्कल को बनाती है। मेल पफर फिश फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए इस खूबसूरत सर्कल को बनाते हैं। इसे बनाने के लिए पफर फिश अपने छोटे से पंख का उपयोग करते हैं, और जिसका सर्कल जितना खूबसूरत होता है, फीमेल पफर फिश उसी की तरफ अट्रैक्ट होती है। नंबर 4, कंकून अंडरवाटर म्यूजियम। कंकून अंडरवाटर म्यूजियम दुनिया के सबसे यूनिक म्यूजियम्स में से एक है। ये म्यूजियम मेक्सिको के कंकून शहर में कंकून नेशनल मरीन पार्क में है। म्यूजियम में 3 अलग अलग गैलरीज हैं, जिनकी गहराई 9 फीट से 19 फीट तक है। म्यूजियम के निर्माण का काम 2009 में शुरू हुआ था और 2010 में इसे विजिटर्स के लिए खोल दिया गया। कंकून नेशनल मरीन पार्क में कोरल रीफ को विजिटर्स से बचाने और कोरल रीफ के अल्टरनेटिव के तौर पर इस म्यूजियम को डेवलप किया गया। म्यूजियम में 500 मूर्तियां हैं। इनमें से ज्यादातर का निर्माण ब्रिटिश स्कल्पचर जेसन डिकेयर्स टेलर ने किया है। वहीं 5 मूर्तियों का निर्माण मेक्सिको के स्कल्पचर्स द्वारा किया गया है। इस अंडरवाटर म्यूजियम में हर साल लगभग 2,00,000 विजिटर्स आते हैं। नंबर 3, अंडरवाटर स्ट्रक्चर ऑफ ज़ैकिंथोस। ग्रीस के ज़ैकिंथोस आइलैंड पे डाइविंग के दौरान डाइवर्स ने एक एंशिएंट सिटी की खोज की। पानी की गहराई में मौजूद सभी स्ट्रक्चर इस बात की ओर इशारा कर रहे थे कि यहाँ पर कभी एंशिएंट सिविलाइजेशन हुआ करता था। स्कल्पचर तो मिला, लेकिन ऐसे कोई सबूत नहीं मिले जिससे ये साबित हो सके कि इस शहर में इंसान रहा करते थे। जब इन स्ट्रक्चर्स को एक्सरे टेक्निक्स की मदद से देखा गया और केमिकल एनालिसिस किया गया, तब पता चला कि ये सभी नेचुरल फॉर्मेशन थे। हालांकि नेचुरल तौर पे इन स्ट्रक्चर्स का निर्माण इस परफेक्शन के साथ कैसे हुआ, ये एक बड़ा सवाल था। 2013 की एक रिपोर्ट के अनुसार इन सभी स्ट्रक्चर्स का निर्माण लगभग 5 मिलियन साल पहले नेचुरल गैस लीक और नेचुरल इरोजन की वजह से हुआ था। द्वारका संकन सटे। संस्कृत में द्वारका का अर्थ स्वर्ग का द्वार है। ये शहर कभी विष्णु जी के 8वें अवतार का निवास स्थान था, तो वहीं कृष्ण जी का साम्राज्य भी इसी शहर में था। महाभारत के अनुसार कृष्ण जी और सालवा के बीच युद्ध में सालवा ने इस शहर पे एक फ्लाइंग मशीन से हमला किया था। इस हमले में पूरा शहर पानी में डूब गया। 1980 से 90 के बीच मरीन आर्कियोलॉजिस्ट ने गल्फ ऑफ खम्बट में 120 फीट की गहराई पर एक प्राचीन शहर को ढूंढा। लोगों की माने तो ये वही शहर था जो सालवा के हमले में पानी में डूब गया था। आर्कियोलॉजिस्ट के अनुसार ये शहर लगभग 9000 साल पुराना है। शहर को 6 हिस्सों में बांटा गया था। रेजिडेंशियल एरिया, कमर्शियल एरिया, गार्डन और आर्टिफिशियल लेक शहर के अलग अलग हिस्सों में मौजूद हैं। आर्कियोलॉजिस्ट के अनुसार 9000 साल पहले आए भीषण बाढ़ में यह शहर पानी में डूब गया। नंबर 1, जायंट पायरोसॉम। जायंट पायरोसॉम द मोस्ट अमेजिंग क्रिएचर्स में से एक है। आपने ऐसा पहले कभी नहीं देखा होगा। लगभग 60 फीट लंबे और 3 फीट डायमीटर वाले इस क्रीचर को देखने का मौका हर किसी को नहीं मिलता। अगर आपको लग रहा है कि 60 फीट लंबा सिर्फ एक क्रीचर है, तो आपको बता दें कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। दरअसल ये एक टाइनी कॉलोनियल ट्यूनिकेट है। लाखों कॉलोनियल ट्यूनिकेट एक साथ मिलकर हॉलो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं, जिसे जायंट पायरोसॉम कहते हैं। ये अपना भोजन पानी को फिल्टर करके प्राप्त करते हैं। जायंट पायरोसॉम कभी खत्म नहीं होता है। अगर किसी इंडिविजुअल ट्यूनिकेट की मौत होती है, तो दूसरे ट्यूनिकेट तुरंत ही रिप्रोड्यूस करके उस खाली जगह को भर देते हैं। जायंट पायरोसॉम से रोशनी भी निकलती है, जो समुद्र में कई मीटर दूर तक जाती है। मैं तो सबसे पहले पानी के अंदर डूबे द्वारका शहर को देखना चाहूंगा। आप सबसे पहले किसे देखना चाहेंगे, कमेंट में जरूर बताएं, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।